कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि हम ईद में आप लोग से डिसाइड कर चुके होंगे। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी कि किस तरह से मैं ईद का जो मेकअप लुक है वो क्रिएट करूंगी और ईद के लिए मैंने कौन सा सूट लिया है। एक्चुअली ये जो सूट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरे ईद का सूट नहीं है, लेकिन इस तरह के जो सूट होते हैं हम ईद में जो है ना आराम से पहन सकते हैं। अच्छा जी, ये है मेरा ड्रेस जिसपे मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मैं बोल के बताती हूँ आपको, लेकिन जो है ना अजान होने वाली थी तो इस वजह से जो है ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मेरे पास ये ग्रीन कलर का सूट, और ये सूट जो है ना मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट है। मैंने अपने भाई की मंगनी में पहना था। जो स्टेप होता है वो होता है कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, लेकिन अगर आपकी जो स्किन है वो मेरी तरीके से सुपर डुपर ऑयली है और मेकअप करने के बाद यहाँ से जो है ना टपक रही है मेकअप फाउंडेशन वगैरह, तो आप जो है ना इसको स्किप कर दीजिए, आप फाउंडेशन नहीं लगाएं। हाँ, सर्दियों में जो है ना आप लगा सकते हैं। जो स्टेप होता है वो होता है प्राइमर का। प्राइमर क्या करता है कि आपकी स्किन के जो पोजेस होते हैं उनको श्रिंक कर देता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपने स्किन पर प्राइमर लगाऊंगी। ये जेल बेस प्राइमर है, फौरी तौर पे जो है ना ये प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ APK का। इसको मैं अपनी हर वीडियो में यूज करती हूँ और इसको मैं तब तक यूज करूंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता और मुझे ये पसंद है, और खत्म होगा तो मैं इसका दूसरा लूंगी, लेकिन ये ही लूंगी क्योंकि ये यहाँ पर जो यूज कर रही हूँ फाउंडेशन वो जो है ना मोस्ट मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। इसका शेड मेरे पास अवेलेबल है 06, जो कि एशियन पाकिस्तानी ब्रिटिश स्किन टोन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। पहले जी आप देख सकते हैं कि इसने किस अच्छे तरीके से जो है ना मेरी पूरी स्किन में जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है। बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने बेस वगैरह लगाई हुई है, और ये जो है ना बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप इसको जो है ना, इसका मैं जो शेड आपको बता चुकी हूँ कि 06 यूज कर रही हूँ। फाउंडेशन है स्वीट फेस की, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, और गर्मियों में आप जो है ना इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, ये सुपर डुपर ड्राई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर लगा लिया। बीच बीच में जो आपको आवाज़ें आ रही थी वो नात वगैरह की आवाज़ें हैं जो लाउड स्पीकर पे हो रही थी। उसके बाद जी मैंने दो जो है ना आई शेडो पैलेट्स यूज़ करे हैं, एक फेसेट का और एक रिस्टीन का, जिसमें मुझे अपना ग्रीन शेड मिला। पहले मैंने वो शेड लिया और अपनी आँखों पर जो है ना वो अच्छे तरीके से लगा लिया, पूरी आँखों पर, सिर्फ और सिर्फ ब्रो बोन को छोड़ के बाकी पूरी आँखों पर मैंने ये जो ग्रीन कलर था वो लगा लिया। उसके बाद जो है ना मैंने अपनी आईब्रोज को जो है ना वो सेट कर लिया, थोड़ी सी पुली कॉम की हेल्प से जो है उनको कॉम कर लिया, लाइनर लगा लिया। लाइनर में यूज़ कर रही हूँ मिस रोज वालों का, थोड़े से लाइनर को भी मैंने सेट कर लिया क्योंकि मुझे आंखें काली काली बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चलता तो यहाँ पर भी ब्लैक मेकअप ही करती, मतलब स्मोकी। उसके बाद अच्छा जी मैंने यहाँ पर जो है ना मस्कारा लगा लिया, लैशेस, और जो है ना आपको लेंसेस की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है जो लेडीज़ घर पे काम काज करती हैं, ये मेकअप ओके रहेगा। फिर स्वीट फेस का शेड नंबर 03 लेकर मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया। मेरे पास मैरून कलर की लिप कलर होता तो मैं वो ज़रूर इस्तेमाल करती क्योंकि दुपट्टे में वो कलर था, लेकिन नहीं है तो मैंने इसी से काम चला लिया। और उसके बाद फेस पाउडर की हेल्प से दोनों को मिक्स करके मैंने जो है ना ब्लश ऑन लगा लिया। तो जनाब यही था मेरा फाइनल लुक। मुझे अपना लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप है, काम करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, इतना हेवी मेकअप भी नहीं है। आप अगर कोई आ जाता है अचानक से कम बंदा इतना तो रेडी रहे। ठीक है जी, तो यही था मेरी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।